नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक कुंडली विश्लेषण करेंगे, पूर्ण कुंडली विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि वो यहां पर संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि कौन सा रत्न उनको धारण करना चाहिए उनकी कुंडली के अनुसार। बढ़िया प्रश्न है। अक्सर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक एक व्यक्ति कई कई रत्नों को धारण करता है, तो रत्नों को धारण करना चाहिए परंतु कुंडली के अनुसार, ग्रह स्थितियों को देखकर। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो रत्न आप धारण करने जा रहे हैं या आपको देखने में अच्छा लग रहा है वह रत्न आपके लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं। वह कुंडली में उनकी स्थिति, उनके अंशों की स्थिति, ये सब बातें डिसाइड करती हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं यह भी मायने रखता है। तो यहाँ पर कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार हम कैसे जानें कि कौन सा रत्न धारण करना है, यह हम एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखते हैं, हम आज प्रश्न लेने जा रहे हैं, इनका नाम हमने नहीं लिखा है, इनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। ये 12/7/1988 के हैं और 5:45 सुबह का इनका जन्म है, धोराजी गुजरात इनका जन्म स्थान है। और इनका प्रश्न है कि इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आइए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक लग्न कुंडली है जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, लग्न कुंडली है और ग्रहों की स्थितियां दिखाई हुई हैं। यहां पर 9 ग्रहों के अंशों को लिखा गया है। जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, यह होता है किसी लग्न कुंडली में, यह होता है प्रथम भाव। लग्न कुंडली क्या, कोई भी कुंडली है उसमें यह होता है प्रथम भाव। प्रथम भाव ये द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज सभी भाव होते हैं। इसमें जो अंक लिखे होते हैं यह राशियां होती हैं, इसमें जो अंक लिखे होते हैं यह राशियां होती हैं। 1 नंबर मेष राशि, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन राशियां सभी के स्वामी भी हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो हमारे पहले की वीडियोस आप देखिए, मैं अक्सर जिक्र करता हूं इनका। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता है कि 12 किसी भी कुंडली में 12 भाव हैं, 12 राशियां होती हैं जिनके अंक यहाँ पर लिखे होते हैं और उन सब राशियों के एक एक ग्रह कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है। आइए अब इस पर आते हैं कि हमारा प्रश्न है, इस व्यक्ति, इस जातक का प्रश्न है कि कौन सा रत्न उसको धारण करना चाहिए। एक एक करके हम सभी राशियों पर जाएंगे और उस अनुसार यह निर्णय लेंगे कि कौन सा रत्न धारण करना है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। आइए देखते हैं, लग्न में यानी प्रथम भाव में 3 नंबर राशि लिखे, 3 नंबर राशि मिथुन राशि, इसके स्वामी है बुध। बुध को 2 राशियां मिली हुई हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, मिथुन और कन्या। तो 3 नंबर राशि लग्न में है और 6 नंबर राशि कन्या राशि चतुर्थ भाव में है जो कि सुख भाव है, दोनों केंद्र में है। बुध की स्थिति को देखें, बुध यहीं पर स्वराशिस्थ है, अपनी ही मिथुन राशि में विराजमान है। यह भी अच्छा घर है, यह भी अच्छा घर है, तो बुध अच्छी स्थिति में भी है, इन दोनों भावों का स्वामी है, यानी कि लग्न का और सुख भाव का स्वामी है बुध। बुध लग्न में ही विराजमान है, बुध के अंश को देखें तो ये 6 अंश का है, यानी जस्ट ठीक ठाक है अंशों के हिसाब से। और जो बुद्ध यहाँ पर बैठे हैं और जिन जो भाव इनको मिले हुए हैं वे अच्छे भाव मिले हुए हैं, अच्छी स्थिति में हैं। तो हम यहाँ पर, यहाँ 2 मार्क बना लेते हैं, एक है प्लस का और एक है माइनस का, या फिर आप कर लें डायरेक्ट बुद्ध पे आते हैं। बुद्ध हमें यहाँ पर प्लस दिख रहा है,
तो उसके सामने हमने प्लस मार्क बना दिया कि संभावना बनती है कि हम इसका रत्न धारण करें। पहले हम पूरी कुंडली को देख लेंगे। तो हमने 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी बुद्ध की स्थिति को देखा, उसके अंशों को देखा और हमने प्लस साइन बना दिया कि हाँ इसको धारण कर सकते हैं। आगे और स्थितियों को देखते हैं। द्वितीय भाव में आइए, यहाँ पर 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। ऐसे तो ये शून्य स्वभाव है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव ये शून्य स्वभाव है, आप सम भी कह सकते हैं। और 4 नंबर राशि कर्क राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा की एक ही राशि होती है कर्क। चंद्रमा की स्थिति का क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, द्वितीय भाव के स्वामी होकर लग्न में विराजमान है। अंशों को देखें तो 4 अंश के हैं और अष्टम भाव होता है आयु भाव। अष्टम भाव होता है आयु भाव और आयु भाव का मारक भाव होता है सप्तम भाव। यानी कि जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, वह अष्टम के लिए मार्केश होते हैं। पुनः कहना चाहूंगा, जो भी भाव होता है, जैसे अष्टम भाव आयु भाव है, तो उससे व्यय भाव कौन होगा, द्वादश भाव होगा। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर अष्टम भाव आयु भाव है तो सप्तम भाव मारक भाव होगा अष्टम के लिए। और भावात भावम सिद्धांत से, यानी भाव से भाव, जैसे कि चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव, पंचम से पंचम भाव, ये भावात भावम सिद्धांत होता है। पुनः कहना चाहूंगा अपनी बात को, अष्टम भाव आयु का भाव होता है तो सप्तम भाव यहाँ पर मारक भाव होगा। देखिए यहाँ पर अष्टम भाव आयु भाव है, अष्टम भाव आयु भाव होता है। तो भावात भावम सिद्धांत से अगर अष्टम भाव आयु भाव है तो अष्टम से अष्टम भी आयु भाव होता है। यह है अष्टम भाव, यहां से अष्टम भाव आप गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तृतीय भाव, यह भी आयु भाव कहलाएगा। यदि अष्टम भाव आयु भाव है तो अष्टम से अष्टम यानी कि तृतीय भाव भी आयु भाव कहलाएगा। अब देखिए अष्टम के लिए सप्तम भाव मारक भाव होता है, यानी आयु को कम करने वाला भाव होता है। इसी प्रकार जब तृतीय भाव आयु भाव हुआ तो तृतीय भाव से पहले वाला यानी द्वितीय भाव वह तृतीय के लिए मारक होगा, द्वितीय भाव तृतीय के लिए मारक होगा। अब ये मारक भाव है तो मारक भाव का रत्न धारण करने की सलाह नहीं दी जाती है, परंतु यह कई स्थितियों पर भी निर्भर करता है। अब यहां देखिए, यहां पर जो भले ही ये मारक भाव है इस तृतीय भाव के लिए, लेकिन ये धन भाव भी तो है, और यदि आपके पास धन ही नहीं है तो जी के क्या फायदा, क्योंकि आजकल सब कुछ तो धन होता है, धन के बिना कुछ संभव नहीं। बिना धन के भी आदमी मृत्यु तुल्य होता है, ऐसा बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं, जीते जागते उदाहरण हमारे पास है। तो यहां पर ऐसे तो ये मारक भाव है, इसका हमें रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा विद्वान कहते हैं। परंतु अन्य स्थितियों को भी देखिए क्या स्थिति है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा तो वैसे भी धन के कारण, धन के लिए चंद्रमा की स्थिति को भी देखना चाहिए। और चंद्रमा यहाँ पे लग्न विराजमान है, अच्छी जगह विराजमान है और 4 अंश पर है। धन धन भाव के स्वामी लग्न में, दूसरी तरह से कहें तो आप कह सकते हैं कि मारक भाव के स्वामी यहाँ पे। लेकिन ये भाई मारक भाव तो सिर्फ इसके लिए है ना, सबके लिए नहीं है। तो धन भाव के स्वामी लग्न में है, 3 नंबर राशि में है, नीच के भी नहीं है, 4 अंश के हैं, अंशों में कम है। तो हम इनको प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। प्लस इसलिए कि हाँ अंश में कमजोर है और शून्य स्वभाव है, धारण कर सकते हैं। माइनस इसलिए कि चलो इसके लिए ये मारक भाव है तो मार्केश यानी इसके स्वामी का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों ले लिया है। आगे देखते हैं तृतीय भाव पे आते हैं। तृतीय भाव आयु भाव है। दूसरे क्यों आयु भाव है, मैंने बताया था कि यहां भी ये अष्टम भाव आयु भाव है, तो अष्टम से अष्टम ये भी आयु भाव ही कहलाएगा। ये हानि का भाव है तो ये भी तो हानि भाव है, तो इसके रत्न को भी पहनने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी हानि भाव होगा, क्योंकि अष्टम से अष्टम है, आयु भाव तो है ही, अष्टम से अष्टम भी तो बना। यहां पर 5 नंबर राशि लिखी हुई है, 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि, स्वामी हुए सूर्य। सूर्य क्या है, यहां पर लग्न में बैठे हुए हैं। अंशों को देखा तो 26 अंश है, 24 अंश के बाद 30 अंश तक
अंश बल कमजोर माना जाता है। तो अंश बल भी तो कमजोर है, परंतु यह अष्टम से अष्टम है, इसलिए इसके रत्न को धारण करने की सलाह नहीं देते हैं विद्वान। चलिए हमने यहां पर इसको माइनस लिख लिया है। आगे चलते हैं, चौथे भाव में छह नंबर राशि है। छह नंबर राशि कन्या राशि बुद्धि की राशि है और इनकी चर्चा हम कर चुके हैं बुद्धि की राशि के लिए। आगे चलते हैं पंचम भाव में सात नंबर राशि। सात नंबर राशि तुला राशि है, शुक्र की राशि है। शुक्र को दो राशियां मिली हुई है, वृष और तुला, यानी कि दो और सात, सात नंबर राशियां है, दो नंबर राशियां है द्वादश भाव में। छ आठ बारह, छ आठ और बारह भाव के स्वामी या इसमें बैठे ग्रह के रत्न को धारण करने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में ही इनके रत्न को धारण करने के लिए बोला जाता है, लेकिन सामान्यतः इनके रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। त्रिक भाव है, अशुभ भाव इनको बोलते हैं। हालांकि कई चीजों के लिए ये शुभ भी होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर शुक्र को दो राशियां मिली हुई होती है, दो नंबर राशि एक सात नंबर राशि, सात तुला दो वृष, स्वामी हुए शुक्र। शुक्र यहीं पर द्वादश भाव में विराजमान है अपनी ही राशि में, परंतु ये पंचम भाव त्रिकोण है, ये तो शुभ है, लेकिन जब एक शुभ घर मिला हो और एक अशुभ घर मिला हो, बारहवां घर अशुभ है और पंचम त्रिकोण का घर है, शुभ माना जाता है। तो जब एक शुभ हो और एक अशुभ हो, विशेषकर त्रिकोण के लिए, तो त्रिकोण का ही स्वामी मानते हैं, तो शुक्र को त्रिकोण का स्वामी मान सकते हैं। परंतु यहां पर ये बैठे फिर से द्वादश भाव में है और इनको द्वादश भाव भी मिला हुआ है और ये द्वादश में भी है, तो पंचम भाव तो अच्छा है लेकिन द्वादश भाव अच्छा नहीं है। जो भाव इनको मिला हुआ है और जहां ये बैठे हैं वो अच्छा नहीं है, तो शुक्र को हम धारण, शुक्र के रत्नों को धारण नहीं करेंगे, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। मैंने बताया छह आठ बारह भाव के रत्नों को धारण नहीं करना है। छह भाव ये है, छठवा भाव है षष्ठ भाव, आठ नंबर राशि है स्वामी हुए मंगल। इन मंगल की दो राशियां हैं मेष और वृश्चिक, वृश्चिक ये है, मेष एक नंबर राशि, यहाँ पर ये आय भाव है, शून्य सा भाव है और ये अशुभ भाव है, त्रिक भाव है। तो इनके स्वामी के रत्नों को हम धारण नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक शून्य सा भाव है और एक त्रिक भाव है तो त्रिक भाव का स्वामी मानेंगे मंगल को। और मंगल की स्थिति को देखते हैं, मंगल यहां बैठे हैं, बैठे हुए ठीक है, लेकिन इसके स्वामी भी तो हैं अशुभ भाव के, त्रिक भाव के स्वामी। अगर इनके रत्न को आप धारण करेंगे तो इस भाव के फल देंगे वो अच्छे, परंतु इस भाव के खराब फल भी तो देंगे, रोग ऋण और शत्रु ये भी तो आपके बढ़ेंगे, तो इसलिए हम इनके रत्न को धारण नहीं करेंगे। तो मंगल के लिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पर नौ नंबर राशि लिखी हुई है सप्तम भाव में, नौ नंबर राशि सप्तम भाव, सप्तम भाव ठीक है, हालांकि ये मारक भाव है इस भाव के लिए, अष्टम के लिए सप्तम भाव मारक भाव है। इनकी दूसरी राशि क्या है, बारह नंबर राशि यहाँ पर, ये भले ही मारक भाव है इस भाव के लिए, अष्टम के लिए सप्तम मारक भाव है, परंतु ये विवाह वैवाहिक जीवन का भी भाव तो है, ये कमजोर रहेगा तो भी तो समस्याएं होंगी। वैसे इस भाव के रत्न भी लोग नहीं धारण कराते हैं, परंतु वो विशेष स्थितियां भी हमें देखनी चाहिए। तो यहां पर ये भले ही मारक भाव है इस भाव के लिए, लेकिन यह अच्छाई लिए हुए भी तो है, यह वैवाहिक जीवन का भी घर है। तो यहां पर नौ नंबर राशि धनु जो कि गुरु की है, गुरु की दूसरी राशि मीन राशि यहाँ पर दशम भाव में है और इनके स्वामी यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, द्वादश भाव में बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम गुरु के रत्नों को धारण नहीं करेंगे, माइनस लिख दिया। आगे चलते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव मैंने बताया ये तो त्रिक भाव भी है, त्रिक भाव है, हानि का भाव भी है, आयु का भाव भी है, लेकिन ये त्रिक भाव है, छह आठ बारह त्रिक भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं, तो इसके रत्न को धारण ही नहीं करना। हालांकि शनिदेव को दो राशि मिली हुई है, एक राशि यहाँ पर है मकर और कुंभ राशि यहाँ पर है नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, परंतु इनको एक ये भाव भी मिला हुआ है ना, अगर भाग्य अच्छा होगा परंतु यहाँ पे हानि का भी तो कष्ट हो सकता है, इसलिए हम इनके रत्न को भी धारण नहीं करेंगे, भले ही शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे आप देखें तो यहाँ पर शनि अष्टम के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है, यानी कि जो वैवाहिक जीवन वाले घर में है वहां ये कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो क्योंकि शनि को दो भाव मिले हुए हैं, एक त्रिक भाव मिला हुआ है और दूसरा त्रिकोण का भाव मिला हुआ है,
वैसे अगर एक त्रिक और एक त्रिकोण मिलता है तो हम त्रिकोण का स्वामी ही मानेंगे, तो संदेह को हम त्रिकोण का स्वामी मान सकते हैं। परंतु रत्न धारण के लिए हमें इसे भी तो देखना है कि इस भाव के बीच तो फल देगा। और दूसरी चीज, शनि यहाँ जिसके घर में बैठे, देखिए मीन राशि में बैठे हैं शनिदेव, क्षमा करें यहाँ पर शनिदेव धनुराशि में बैठे हुए हैं, धनुराशि के स्वामी होते हैं गुरु, गुरु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि शनि के नियंत्रक अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हम इनके रत्न को धारण नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं 12 नंबर राशि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं गुरु के लिए, फिर 1 और 8 की चर्चा भी हम कर चुके हैं मंगल के लिए, 2 और 7 की चर्चा कर चुके हैं हम शुक्र के लिए। सभी ग्रह की यहाँ पर स्थिति होगा, राहु और केतु की स्थिति को भी देख लेते हैं। राहु यहाँ पर बैठे हैं भाग्य भाव में, अच्छा भाव है भाग्य भाव, लेकिन राहु और केतु अपने माहौल के अनुसार फल देते हैं। राहु 11 नंबर राशि यानी शनि की राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और शनि कैसे हैं, शनि जिस भाव में बैठे हैं, देखिए शनि तो चलो ठीक ठाक भाव में बैठे हैं, केंद्र का भाव है, भले ही इसके लिए मारक है, परंतु इसके लिए देखें तो शनि की स्थिति ठीक है, परंतु शनि जहां बैठे हैं उसके स्वामी गलत घर में चले गए हैं, तो इसलिए हम राहु के रत्न को भी धारण नहीं करेंगे, क्योंकि राहु जिसके भाव में है वे जहां बैठे हैं वो गलत घर में जाके बैठ गए हैं। अगर हम सिर्फ ये देखें राहु किस भाव में बैठे हैं तो ठीक ठाक सा घर में बैठे हैं, शनि शनि को देखें अगर, तो शनि देखिए राहु शनि के घर में बैठे हैं और शनि सप्तम में है, वो ठीक ठाक से घर में बैठे हुए हैं, हम मान सकते हैं, परंतु शनि जहां बैठे हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं वो गुरु, वो स्वयं द्वादश में चले गए, तो हम यहाँ पे इनके रत्न को धारण नहीं करेंगे, राहु के रत्न को धारण नहीं करेंगे, वे शनि के अनुसार फल देंगे। केतु की चर्चा कर लेते हैं, केतु की स्थिति को देखें अगर कुंडली में, तो केतु यहाँ पर बैठे हैं तृतीय भाव में बैठे हैं, केतु सिंह राशि में बैठे हैं, और केतु सिंह राशि के अनुसार फल देंगे, सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं लग्न में, परंतु जैसा मैंने बताया कि द्वितीय भाव और तृतीय भाव, द्वितीय भाव तृतीय के लिए मारक भाव है, द्वितीय भाव तृतीय भाव के लिए मारक भाव कहलाता है, और यह है तृतीय भाव अष्टम से अष्टम है, तो यहां से हानि को भी तो देखते हैं हम, आयु को देखते हैं तो हानि को भी देखते हैं, तो यहां पर बैठे ग्रह का तो वैसे भी रत्न सलाह नहीं देते हैं लोग, परंतु ऐसे देखें अगर यदि आप, तो ये सिंह राशि है, स्वामी यहाँ ठीक ठाक से बैठे हैं, ये अधिक परिश्रम का भी घर है, अगर केतु को आप अधिक मजबूत कर लेंगे यहाँ पर बैठे केतु को, वैसे तो आप रत्न चाहे धारण कर लें, सूर्य अच्छी स्थिति में है, अंशों को देखें तो 26 अंश के हैं, ठीक ठाक से है, जस्ट बॉर्डर पे है, बले ही है उससे अधिक और चले जाएंगे, हालांकि 24 अंश से 30 अंश तक कमजोर होते हैं, तो देखें तो अधिक अच्छी स्थिति नहीं है इनकी, परंतु बैठे ठीक ठाक से हैं, लेकिन यदि परिश्रम का घर है, केतु सिंह राशि के अनुसार इसके स्वामी के अनुसार फल देंगे, तो अगर केतु को मजबूत करेंगे तो ये अधिक आपको परिश्रम कराएंगे, तो इनके रत्न को भी पहनने की सलाह देना उचित नहीं है। अब देखिए जितने माइनस है आप उनको छोड़ दीजिए, अब एक में हमने प्लस माइनस लिया था, एक में हमने प्लस लिया था, प्लस माइनस हमने इसलिए लिया था, ये हमने चंद्रमा के लिए लिया था, क्योंकि यह इस भाव के लिए मारक भाव था, इसलिए हमने माइनस ले लिया था, अन्यथा धर्म भाव का स्वामी है लग्न में है, अच्छी बात है, तो इसलिए हमने प्लस लिया था, और अंश में 4 अंश है, कमजोर तो है ही है, 6 अंश से कम कमजोर ही मानेंगे हम, और बुध 6 अंश के हैं यानी ठीक बॉर्डर पे हैं, और बलि किया जा सकता, और ये पूरे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर लग्न के भी स्वामी है और सुख भाव के भी स्वामी है, तो इन दोनों में कंपेरिजन करें तो बुध यहाँ पर सर्वाधिक शुभ मानेंगे हम इनको, बुध तो वैसे भी स्वयं ही शुभ ग्रह है, और यहाँ पर सर्वाधिक शुभ मानेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम बुध के रत्न को धारण कर सकते हैं, इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि आप बुध के रत्न को धारण करें, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है, बुध अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, अंश बल में कम है, और इनको अच्छे भाव मिले हैं और अच्छे घर में बैठे हुए हैं, स्वराशिस्थ हैं, और चंद्रमा इसके बाद यदि हम चाहें तो चंद्र का भी रत्न धारण करें, लेकिन मैंने बताया कि यह भाव इस भाव के लिए मारक भाव है, तो इसका स्वामी मार्केश होगा इस भाव के लिए, जो कि आयु भाव भी है, अधिक परिश्रम का घर है, परंतु ये आयु भाव भी है, अगर और आयु भाव के लिए मारक भाव है, इसको हम अगर रत्न धारण करेंगे तो विद्वान मना करते हैं, लेकिन मैं स्वयं ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ही
बोलता हूं, क्योंकि अगर ये मारक भाव इस भाव के लिए है तो ये धन भाव भी तो है, परिवार का भाव भी है, वो भी तो बलि होना चाहिए। तो आप पहले तो बुध धारण कर सकते हैं, बुध का रत्न, या फिर आप चंद्रमा का रत्न भी धारण कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए मोती, बुध के लिए पन्ना। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि किस रत्न को यहाँ पे धारण करना चाहिए आंख बंद करके, तो आप बुध के रत्न पन्ना को धारण करें, अच्छा है। चंद्रमा के लिए आप एक दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जहां भी रत्न को धारण ना कराया जा सके वहां पर बीज मंत्रों का जाप करें, मंत्रों का जाप करें, ग्रहों के मंत्रों का जाप करें, या रुद्राक्ष को धारण करें। यहां पर बुध के रत्न को आप धारण करें, बुध के रत्न पन्ना को आप धारण कर सकते हैं। और चंद्रमा के लिए आप सबसे सेफेस्ट है कि आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आशा करता हूं कि ये जो मैंने समझाने का प्रयत्न किया, जो ये व्यक्ति थे, ये दोहराजी गुजरात से थे और इन्होंने प्रश्न पूछा था कौन सा रत्न धारण करें, तो ये बुद्ध का रत्न पन्ना धारण करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे शुरू में ही मैंने बताया कि दशाओं के अनुसार भी रत्न को धारण कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमें ग्रहों की स्थितियां देखनी पड़ेगी। जो शुभ स्थिति में है उन्हीं के रत्नों को धारण करना है, उन्हीं की दशा में, अन्यथा धारण नहीं करना है। यदि वे अशुभ अवस्था में है, कोई दशा चल रही है लेकिन उनके ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके रत्न को धारण नहीं किया जाता है। यहाँ पर बुध को तो, बुध के रत्न पन्ना को तो आप आजीवन धारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।